नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th SST सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 यानी कार्यपत्रक संख्या 30 को। ये हमारी 18 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं की। आर्थिक क्रियाएँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना कि आर्थिक क्रियाएँ क्या होती है। जब आप घर से बाहर निकलते हो, चाहे वो बाजार के लिए निकलते हो या स्कूल के लिए निकलते हो, तो बहुत सारे लोगों को देखते हो जो अलग अलग काम धंधे करते हैं। कोई रेडी वाला है तो कोई दुकानदार है, किसी ने डेयरी कर रखी है, कोई रिक्शा चालक है, कोई ऑटो रिक्शा चालक है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई बिजनेसमैन है, तो कोई प्लम्बर है। ऐसे हजारों काम धंधे, लिस्ट बनाएंगे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी जो लोग करते हैं। इन सभी काम धंधों को हम आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। अब ये आर्थिक क्रियाएं कौन सी हुई, वो सभी काम धंधे जिनसे हमें इनकम प्राप्त होती है, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जिनसे हमें रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, उन सभी काम धंधों को हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। अब दूसरी तरफ वो सभी काम धंधे भी है जिनसे हमें कोई आय प्राप्त नहीं होती, उनको हम कहेंगे अनार्थिक क्रिया। ठीक, जैसे आप स्कूल जाते हो, आय प्राप्त होती है, नहीं होती ना, तो ये आपकी अनार्थिक क्रिया है। या घर पे जैसे संडे को आप हेल्प करवा देते हो घर वालों की, तो उससे आपको कोई आय प्राप्त नहीं होती, तो वो आपकी अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। यानी कि सिर्फ आय के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि ये आर्थिक है या फिर अनार्थिक क्रिया है। आय प्राप्त हो रही है, इनकम हो रही है, तो आर्थिक हो जाएगी। इनकम प्राप्त नहीं हो रही तो उसको हम अनार्थिक क्रिया कहेंगे। और एक ही काम है, वो आर्थिक या अनार्थिक दोनों हो सकता है, सिर्फ इनकम के बेस पर हमें देखना है। जैसे घर पर आपके मदर आपके लिए खाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ बनाते हैं, आप उनको पैसे देते होंगे, पेमेंट करते हो, नहीं करते ना, यानी काम धंधा तो करें लेकिन उनको इनकम प्राप्त नहीं हो रही, वो अनार्थिक क्रिया हो गई। ठीक, अब यही काम, खाना बनाने का काम, शेफ या कुक होटल में करते हैं, सेम काम है ना, लेकिन वहां पर उनको इनकम प्राप्त हो रही है, उन्हें सैलरी मिल रही है, तो वहां पर ये आर्थिक क्रिया होगी और घर पे ये अनार्थिक क्रिया होगी। ऐसे ही जो टीचर है, शिक्षक है आपके, जो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में टीच करते हैं, तो उनको सैलरी मिलती है, उनको पैसा मिलता है, तो ये आर्थिक गतिविधि है। और वही टीचर जब घर में अपने खुद के बच्चों को पढ़ाता है तो उसे कोई इनकम नहीं मिलती ना, तो वो अनार्थिक गतिविधि हो जाएगी। ठीक, तो ये आर्थिक और अनार्थिक गतिविधियों में इनको बांट सकते हैं। अनार्थिक गतिविधियां उनको हम गैर बाजार एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, और जो आर्थिक गतिविधि है उसको हम बाजार एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। अब जो इतने सारे काम धंधे, उन काम धंधों को ठीक से समझने के लिए और उनकी विशेषताओं के आधार पर हम तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटते हैं। कितने वर्गों में, तीन वर्गों में। यानी कि आर्थिक गतिविधियां तीन प्रकार की हो सकती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाएं हो सकती है। ठीक, यानी कि सभी को हमने कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में। अब ये प्राथमिक गतिविधियां कौन सी होती है, प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सब कुछ आ जाता है प्राथमिक गतिविधियों में। प्राथमिक गतिविधियों में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। ठीक, जैसे कृषि है तो इसमें हम क्या करते हैं, भूमि का, जल का, इनका उपयोग करते हैं और फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे मछली पालन होता है तो हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। खनन में क्या करते हैं, धरती से हम खनिज निकालते हैं। यानी प्राथमिक गतिविधियों में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसे हम कहेंगे प्राथमिक गतिविधि। तो इसमें कौन कौन सी आएगी, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन या उत्खनन, ये सभी आ जाएंगे प्राथमिक गतिविधियों में। खनन होता है धरती से खोद करके कोई खनिज निकालना, उत्खनन होता है धरती के ऊपर ही रखा हुआ उस खनिज को हमें उपयोग में लेके आना। जैसे आप कई बार देखते हो कि चट्टाने हैं, वो भी काम आते हैं ना जब हम घर बनाते हैं, तो वो उत्खनन है क्योंकि वो तो धरती के ऊपर ही है, अगर खोद के निकालें तो खनन है। ये सारी गतिविधियां प्राथमिक क्रियाएं कहलाएगी। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, कृषि। इसलिए प्राथमिक सेक्टर को कई बार कृषि से संबंधित सेक्टर भी बोल देते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कह दिया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है द्वितीय क्रियाएं। अब ये द्वितीय क्रियाएं कौन सी होती है, द्वितीय क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाओं से कच्चा माल लिया जाता है और उसके बाद उसका दोबारा से निर्माण किया जाता है, उसे बोलेंगे द्वितीय क्रियाएं। जैसे कपास से कपड़ा बना दिया, अब कपास कहाँ से आई, प्राथमिक क्रिया से, उससे कपड़ा बनाया, ये द्वितीय क्रिया होगी। ऐसी चीनी है, किससे बनेगी, गन्ने से, गन्ने से चीनी बनाना, ये द्वितीय क्रियाएं कहलाएगी। जब प्राथमिक क्रिया से कच्चा माल लेकर के द्वितीय क्रियाओं में यानी कि उनको ज़्यादा उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु उसका विनिर्माण किया जाता है, तो उसमें दो बदलाव आते हैं, एक तो वस्तु उपयोगी हो जाती है और दूसरा उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे गन्ना है, हो सकता है वो 2 रुपये 3 रुपये का होगा, लेकिन जब उससे चीनी बन जाएगी तो चीनी 40 से 45 रुपये पर किलोग्राम है ना, पर केजी है। ऐसे ही जो कपास है, तो कपास 50 से 55 रुपये पर किलोग्राम है अभी। ठीक,
और जब उससे कपड़ा बना दिया तो वो जो 100-150 ग्राम की शर्ट है आपकी 500 रुपये से लेकर के 5-10-15 हज़ार रुपये की हो जाती है, ओके, और काम की भी ज़्यादा हो जाती है। तो जो द्वितीय क्रियाएँ होती है इसमें प्राथमिक क्रियाओं से कच्चा माल लेते हैं और उसका विनिर्माण करते हैं। विनिर्माण मतलब वी का अर्थ होता है दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। और जब दोबारा बनाया जाता है तो दो बदलाव आते हैं, एक तो वस्तु ज़्यादा कीमती हो जाती है और दूसरा उसका उपयोग बढ़ जाता है। और ये सारा काम कहाँ किया जाएगा, कारखानों में किया जाएगा, इसलिए इसको हम उद्योगों से संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं और इसको हम विनिर्माण भी कह सकते हैं। ठीक, क्लियर, ये होगी हमारी द्वितीय क्रियाएँ। उसके बाद तृतीय क्रियाएँ होती है। तृतीय क्रियाएँ प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएँ दोनों से बिल्कुल अलग होता है, जो हमारा थर्ड सेक्टर है दोनों से अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि इसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता, किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं होता, बल्कि ये प्राथमिक और द्वितीय यानी कि जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनको सर्विस देते हैं, उनको सेवाएं देते हैं। जैसे व्यापार, अब व्यापारी है वो कोई सामान पैदा करता है नहीं, वो सामान इधर से उधर पहुंचा देता है। ऐसे ही परिवहन के साधन, अब ट्रक वाला है तो ट्रक वाला क्या करेगा, कोई सामान थोड़ी बनेगा वो, जैसे कृषि क्षेत्र है तो वहाँ का कच्चा माल है कारखानों तक पहुँचा देगा, तैयार माल को बाज़ार तक पहुँचा दिया, या फिर कृषि में जो आवश्यकता है खाद बीज स्प्रे की वो कृषि क्षेत्र तक पहुंचा दिया, हमारे घर के सामान को हम तक पहुंचा दिया, ओके। तो वो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा बल्कि सेवाएं दे रहा है। ऐसे ही संचार के साधन है, बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन सेवाएं। अब टीचर है तो टीचर किसी वस्तु का उत्पादन थोड़ी करें, वो क्या करें, सेवाएं दे रहे, ओके। तो तृतीयक सेक्टर है वो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर दोनों से अलग होता है, क्योंकि इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाएं दी जाती हैं, इसलिए इस तृतीयक सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए कि हमारे अर्थव्यवस्था के जितने भी काम धंधे उनको हम तीन समूह में बांट सकते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर में। अब यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए गतिविधियाँ दी गई, इनमें से जो कृषि करना है वो कौन सी गतिविधि है, प्राथमिक गतिविधि कहलाएगी। यहाँ पे ये जो कारखाने ये किस में आएंगे, ये द्वितीयक गतिविधि में आएंगे। और यहाँ पर जो परिवहन के साधन हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे वायुयान दिखाई दे रहा है, हमें समुद्री जहाज दिखाई दे रहा है, तो ये किस में आएंगे, ये आपके आ जाएंगे तृतीयक सेक्टर में। ठीक, तो ये हो गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर होते हैं, तीन क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक में हम भूमि जल यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि कृषि हो गया। द्वितीयक सेक्टर में हम विनिर्माण संबंधित क्रियाएं करते हैं, यानी कि किस कच्चा माल लेंगे हम प्राथमिक सेक्टर से और उसको नई वस्तु में बदल देंगे, तो वो आ जाएगा द्वितीयक सेक्टर, सारे कारखाने द्वितीयक सेक्टर में आएंगे। और तृतीयक सेक्टर है जिसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ये केवल सेवाएँ प्रदान करता है। अब हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं, ये जितनी भी गतिविधियाँ यानी कि जितने भी काम धंधे, ये आय में मूल्यवर्धन करते हैं, यानी कि इससे देश की आय बढ़ती है। अब हमारी आय बढ़ेगी आर्थिक क्रियाओं से तो देश की भी आय बढ़ेगी ना, यानी कि हम देश में ही तो रहते हैं, समाज में ही तो रहते हैं। तो ये जितने भी क्रियाकलाप है ये राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, ये क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। यानी कि जितने भी काम धंधे जिनसे आय प्राप्त होती है वो सभी आर्थिक क्रियाएँ, ये तो हम समझ चुके हैं। और आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, यानी कि जिनसे हम आय प्राप्त होगी उन आर्थिक क्रियाओं को वैसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इसमें से पहला भाग है वही आर्थिक क्रिया होगी, दूसरों को हम अनार्थिक क्रिया कह सकते हैं। एक तो होगी बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं कौन सी होगी, वो क्रियाएं जो हम लाभ के उद्देश्य से करते हैं, ओके, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वो हमारी होगी बाजार क्रियाएं, ये आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। ठीक, यानी कि जो बाजार के उद्देश्य से हमने पैदा की, जो हमने लाभ के उद्देश्य से काम किया जिससे हमें आय प्राप्त होगी, वो बाजार क्रियाएं होगी। और दूसरी होगी गैर बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाएं कौन सी होती है, वो क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त नहीं होगी, जो क्रियाएं हम खुद के लिए करें। ठीक, जैसे यहाँ पर भी यही दिया गया कि बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है और इनमें पारिश्रमिक यानी कि वेतन का भुगतान होता है, यानी कि हमें आय प्राप्त होती है। जबकि गैर बाजार क्रियाएँ होती है वो स्व उपभोग के लिए की जाती है, खुद के उपयोग के लिए, जैसे घर में खाना बनाना खुद के लिए करें ना तो ये गैर बाजार क्रिया है। जैसे घर में साफ सफाई करना खुद के लिए की ना तो ये गैर बाजार क्रिया है। आप स्कूल में पढ़ते हो खुद के लिए काम धंधा करे हो ना, अपने खुद के लिए करे हो, यहाँ से कोई आय प्राप्त नहीं हो रही तो ये आपकी गैर बाजार क्रिया कहलाएगी। इनमें प्राथमिक उत्पादों का जैसे उपभोग करना है, कोई भी वस्तु हम घर पे खाना बनाते हैं उपभोग करें तो वो गैर आर्थिक क्रियाएँ कहलाएगी। प्रसंस्करण यानी कि कुछ भी चीज़ को प्रोसेसिंग अगर हम करें खुद के लिए तो वो भी गैर बाजार क्रियाएँ कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ तक आज की इस वर्कशीट में हमने समझा कि आर्थिक क्रियाएँ क्या होती है और अनार्थिक क्रियाएँ क्या होती है, बाजार क्रियाएँ क्या होती है और गैर बाजार क्रियाएं क्या होती है, ये आर्थिक अनार्थिक की क्रियाएं हैं जिनको हम अलग नाम से भी जान सकते हैं, मार्केट नॉन मार्केट एक्टिविटीज। और फिर हमने समझा कि जितने भी काम धंधे उसको हम तीन समूह में बांट सकते हैं, कौन कौन से समूह हैं और
उनमें कौन कौन सी गतिविधियां आएगी, ये सब कुछ हमने इस वर्कशीट में डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट और डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को। कुल 5 क्वेश्चन यहां पर दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को यानी कि आर्थिक गतिविधियों को कौन से 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। तो 3 प्रमुख सेक्टर है, उनमें इनको बांटा जाता है। पहला हो गया प्राथमिक सेक्टर, दूसरा हो गया द्वितीयक सेक्टर और तीसरा हो गया तृतीयक सेक्टर। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, तृतीयक सेक्टर के कोई 4 हमें उदाहरण देने। तृतीयक सेक्टर आपको पता ना कि तृतीयक सेक्टर किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं देता है, इसलिए हम इसे सेवा क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें आता है परिवहन के साधन, संचार के साधन, बैंकिंग, पर्यटन, आपके जो शिक्षक हैं, टीचर, डॉक्टर, ये सभी भी तृतीयक सेक्टर में ही आएंगे क्योंकि ये किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर को सेवाएं देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरे प्रश्न को देखते हैं, आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न दिया गया, ऊपर दिए गए जो चित्र में 3 क्षेत्रों की पहचान करनी है। ठीक, ऊपर जो चित्र दिया गया, चित्र हमने ऊपर देखा था ना, तो उसमें तीनों क्षेत्रों की है गतिविधियां दी गई, तो उसको आपको एक डायग्राम बना सकते हो यहाँ पर, और डायग्राम बनाने के बाद उनको आप चिन्हित कर सकते हो, तो वो सही तरीका रहेगा। तो उसमें 3 सेक्टर है उनकी पहचान करनी है, 3 सेक्टर कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो उस चित्र में दिए गए जैसे कृषि, ट्रैक्टर दिया गया तो वो प्राथमिक सेक्टर है, ओके। उसके बाद कारखाने दिए गए तो द्वितीयक सेक्टर है, और उसके बाद वायुयान या समुद्री जहाज दिए गए वो आपके तृतीयक सेक्टर में आएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट यानी कि 5वें प्रश्न को देखते हैं जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है कैसे, ये हमें बताना है। तो बाजार क्रियाएं हम लाभ के उद्देश्य से करते हैं और इनसे हमें आय प्राप्त होती है, यानी बाजार क्रियाएं क्या है, ये हम लाभ के उद्देश्य से करते हैं और इनसे हमें आय प्राप्त होती है। दूसरी ओर जो गैर बाजार क्रियाएं हैं ये हम स्वयं के उपभोग के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, और इनसे हमें आय प्राप्त नहीं होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था खाना बनाना, घर पर बनाते हैं, खुद के लिए बना रहे हैं, आय प्राप्त नहीं हो रही, वो गैर बाजार क्रिया है। और वही खाना जब शेफ या कुक होटल में बनाते हैं उसे उसको आय प्राप्त हो रही है, तो वो बाजार क्रिया हो गई। ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।